गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विशेल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ योर येबस दैट इज इल्तुतमिश एंड हिज अचीवमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बारह सौ ईस्वी में कुतुब्दीन एबक की मृत्यु के, के पश्चात तत्कालीन सामंतों और सरदारों ने आराम शाह को शासक घोषित किया था लेकिन आराम शाह अयोग्य और अक्षम शासक था 1210 से 1211 यानी लगभग एक वर्ष तक ही वो शासन कर पाया तत्कालीन जो उपलब्ध स्रोत है उनके आधार पर जिनमें से कि तत्कालीन महत्वपूर्ण इतिहासकार मिनाश से राज भी हैं उनका मानना ये है कि आराम शाह कुतुब्दीन एवक का पुत्र नहीं था लेकिन उसे शासक घोषित किया गया था अयोग्य था इसलिए केवल एक वर्ष तक ही वो शासन कर पाया बदायूं के जो सूबेदार थे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश साथ में कुन एवक का दामाद भी था योग्य था सूबेदारों ने उसे शासक घोषित करने का प्रयास किया चूँकि बंगाल मुल्तान सिंध दिल्ली सल्तनत से अलग हो चुके थे इसलिए तत्कालीन सरदारों और सामंतों ने यह निर्णय लिया कि इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया जाए शमसुद्दीन इल्तुतमिश मध्य एशिया का तुर्क था और उसे आरंभ में ही जमालुद्दीन नामक व्यापारी को बेच दिया गया था ग्यारह सौ ईस्वी में एबक ने इसे खरीद लिया और उसे सर है जानदार तथा अमीर आखूर तथा अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया 1205 में उसे दास्ता से मुक्त किया गया जब उसने जो खोखर जाति के विरुद्ध ऐबक का अभियान था उसमें वीरता और साहस दिखाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुत्मिश से किया था उसके पश्चात जब कुछ सामंतों ने आराम शाह को शासक घोषित किया था तो जड़ के युद्ध में आराम शाह तथा सामंतों को इल्तुत ने पराजित किया और 1211 सौ ईस्वी में गद्दी प्राप्त की थी शासक बनने के साथ ही उसने अपनी राजधानी दिल्ली घोषित किया लाहौर के स्थान पर और 1236 सौ ईस्वी तक जो है वो इल्तुतमिश ने शासन किया अब बात करते हैं इल्तुतमिश के समक्ष जो आरंभिक कठिनाइयां थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष भी बहुत चुनौतियां थी लेकिन उसका शासनकाल बहुत अल्प था महज चार वर्ष का था इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 सौ ईस्वी तक शासन किया राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और पुनर्गठन के साथ साथ राज्य को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया था लेकिन जो उसके समक्ष चुनौतियाँ थी कठिनाइयाँ थी डिफिकल्टीज थी उनको जाने बिना उसके कार्यों का मूल्यांकन संभव नहीं हो पाएगा इसलिए आपको इसके विषय में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है सबसे पहले हम बात करते हैं अनस्टेबल एंड अनऑर्गेनाइज्ड अंपायर क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत किया राज्य की समस्याओं को सॉल्व करने में किया वह राज्य को संगठित नहीं कर पाया था और ना ही राज्य को स्थायित्व प्रदान कर पाया था स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पाया था इसलिए इल्तुतमिश जब शासक बना था तो उसे विरासत में एक अस्त व्यस्त और अस्थिर राज्य प्राप्त हुआ था किस तरह से स्थायित्व प्रदान किया जा सके किस तरह से राज्य को पुनर्संगठित किया जा सके यह बहुत बड़ी चुनौती के समक्ष थी है प्रोटेस्ट ऑफ कुतबी एंड मौजी सरदार जो कुतबी और मोजी सरदार थे नोवल्स थे वो इलतुत्मिश का विरोध कर रहे थे सबसे पहली बात तो इसलिए विरोध कर रहे थे कि इल्तुतमिश दासों का दास कहा जाता था क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी एक दास शासक था इसलिए जो कुतुबी और मौजी सरदार थे वो इल्तुतमिश के अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे दूसरी बात है कि कुछ कुतुबी और मौजी सरदार जो थे वो आराम शाह के पक्ष में थे और आराम शाह को शासक बनाना चाहते थे इसलिए वो इलतुतमिश के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे थे नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ नासिरुद्दीन कवाचा नासिरुद्दीन कवाचा जो कि सिंध और मुल्तान का गवर्नर था सूबेदार था और साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो बहनोई भी था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह उससे करवाया था इसलिए उसकी जो इच्छाएं थी वो राज्य विस्तार की थी उसने लाहौर तक के कई क्षेत्रों को विजित किया था और धीरे धीरे वो भारत पर निगाहें बनाए हुआ था इस अवसर का की तलाश में था कि कब भारत में उचित अवसर प्राप्त हो सके और अपने राज्य का विस्तार करके भारत की गद्दी को प्राप्त कर सके यह इल्तुतमिश किस्मक समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या थी कि, कि किस प्रकार जो है वो नासिरुद्दीन कवाचा के बढ़ते हुए विस्तार को रोका जा सके या किस तरह से उसका दमन किया जा सके नेक्स्ट है एम्बिशंस ऑफ ताजुद्दीन यल्दोस ताजुद्दीन यल्दोस गजनी का शासक बन चुका था और कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर भी था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसकी पुत्री से विवाह किया था अब उसकी जो इच्छाएं हैं आकांक्षाएं हैं वो भारत की तरफ बढ़ती चली गई और भारत की गद्दी प्राप्त करने की इच्छा रखता था ताजुद्दीन यलदोज़ ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाई थी और इल्तुतमिश के लिए जो कि अभी राज्य स्टेब्लिश ही हुआ था उसे कैसे सुरक्षित रखा जा सके उसे कैसे संगठित किया जा सके यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ताजुद्दीन यलदोज को रोकना जो है वो अत्यंत अनिवार्य था इसलिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती इल्तुतमिश के समक्ष थी नेक्स्ट है अली मर्दान का विद्रोह बंगाल में बख्तियारुद्दीन खिलजी के पश्चात जो नेक्स्ट सूबेदार बना था अली मर्दान उसने यासुद्दीन की उपाधि भी धारण की थी और वो बंगाल और बिहार में लगभग स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करता था उसके ऊपर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए यह एक बहुत बड़ी चुनौती इलतुतमिश के समक्ष थी चूंकि बंगाल बिहार जब कुतुबद्दीन ऐबक ने उन आक्रमण किया था तो अली मर्दान ने वहाँ से नजराना और वार्षिक कर देना स्वीकार किया था उसकी अधीनता स्वीकार की थी कुतुबद्दीन ऐबक के साथ उसने शांति समझौता किया था लेकिन कुतुबद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसने पुनः बंगाल और बिहार में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और जो वार्षिक नजराना है और जो राजस्व है वो देने से इनकार किया था नेक्स्ट है मंगोलों के आक्रमण एशिया की जो खुंखार जाति मंगोल थे और उनके चंगेज खान थे वह मध्य एशिया के कई राज्य को विजित करता हुआ ईरान की सीमा तक पर्शिया की सीमा तक पहुंच चुका था और शासक वहां से भागकर जो है वो भारत पर शरण करने के लिए दबाव डाल रहा था भारत में शरण चाहता था इसलिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती इल्तुतमिश के समक्ष थी कि किस प्रकार से मंगोल के आक्रमणों को निष्फल किया जाए या मंगोल के आक्रमण से राज्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए चंगेज खान बरबर -बर नेता था और वो मध्य एशिया पर जो है वो कई राज्यों को विजित करने के पश्चात भारत पर भी अपनी दृष्टि जो है वो जमाए हुए था इसके साथ साथ जो चंगेज खान हैं महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण से भी परिचित था इसलिए वह भारत के धन दौलत की तरफ भी उसकी निगाह थी भारत पर आक्रमण कर सकता था यह एक इल्तुतमिश के लिए असमंजस की स्थिति थी कि किस सम्... किस प्रकार नवगठित साम्राज्य को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए नेक्स्ट है राजपूत शासकों का स्वतंत्र होना राजपुताना के जो राजपूत शासक थे जिनमें की महत्वपूर्ण रियासतें जालौर रणथम्बौर ग्वालियर और कालिंजर थी ये रियासतें लगभग स्वतंत्र रियासतें थी और उन पर कुतुब्दीन ऐबक किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया था इसलिए जब इल्तुतमिश शासक बना तो उन रियासतों को अपने अधीन करने की चुनौती उसके समक्ष थी जब तक राजस्थान और राजपुताना की ये रियासतें स्वतंत्र थी तब तक दिल्ली का स्थापित साम्राज्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता था इसलिए भी उन पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक था नेक्स्ट है खोखर की समस्या जम्मू कश्मीर और झेलम का जो क्षेत्र था उस क्षेत्रों में बर्बर -बर खोखर जाति के लोग रहते थे जो अक्सर लूटपाट करते थे और आतंक मचाते थे इनके ऊपर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को सीमाई क्षेत्र को सुरक्षित सुरक्षित रखा जा सके यह चुनौती भी के समक्ष थी चूँकि यहाँ से सीमा की सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक था जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी जहाँ से विदेशियों के आक्रमण का भय अक्सर रहता था इसलिए वहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ सैनिक छावनियाँ एस्टेब्लिश की जाती थी उनके लिए ये खोखर जाती अक्सर जो समस्या उत्पन्न करती थी इसलिए भी यहाँ की समस्या से निदान पाना अत्यंत आवश्यक था और इल्तुत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी नेक्स्ट है इल्तुत की अचीवमेंट्स अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो इल्तुत ने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की थी उन उपलब्धियों को डिस्कस करने के लिए हम अगले लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि, कि किस प्रकार इल्तुत ने यहाँ पर साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ करके वास्तविक संस्थापक की जो पदवी हैं या जो उपाधि हैं जो तमगा है वो प्राप्त किया था क्योंकि फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक था लेकिन वास्तविक जो संस्था संस्थापक हैं वो इल्तुतमिश को ही जाना जाता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सो हैव ए गुड टाइम एंड हैव ए गुड डे थैंक यू